आज हम लेके आए हैं जन्माष्टमी स्पेशल एनर्जी बूस्ट लड्डू। इसको बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही कम सामान में आप बना करके तैयार कर लेंगे। चाहे जैसी भी कमजोरी हो, चाहे लेडीज की कमजोरी हो, चाहे बच्चों की आंखों की कमजोरी हो, इस लड्डू को बनाइए और सभी तरह की कमजोरी को दूर कीजिए। हेलो एवरीवन, मैं पुष्पा राजपूत पुष्पा की रसोई में आप सबका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए ऐसी रेसिपी जो जन्माष्टमी के लिए बहुत ही स्पेशल है। तो एक बार फ्रेंड्स इसको बना करके ज़रूर देखिए। और ख़ास बात यह है कि ये खाने में भी बहुत ही लाजवाब लगती है। सबसे पहले तो आपको ले लेने हैं ड्राई फ्रूट। तो आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट हो उसको आप ले सकते हैं। मैंने काजू, किशमिश, पिस्ता, बादाम, चिरौंजी और साथ में एक गरी का ग्वाला लिया हुआ है। तो कुछ हम गरी के ग्वाला को क्या करेंगे, कद्दूकस कर लेंगे और कुछ हम काट करके इनको तैयार कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए, मैंने ये बड़ा वाला कद्दूकस लिया हुआ है। तो मैं इसको थोड़ा सा, जैसे गाजर को कद्दूकस करते हैं, इसी तरह से मैं गरी को भी कद्दूकस करके तैयार कर लूँगी। और कुछ मैं गरी को चाकू की हेल्प से पतले पतले से इसके स्लाइस काट करके तैयार कर लूँगी। यदि आपको बड़े नहीं पसंद हैं तो आप सारे गरी को कद्दूकस करके तैयार कर सकते हैं। ये जो आज का प्रसाद है फ्रेंड्स, आज मैंने खास करके जन्माष्टमी के लिए बनाया हुआ है, क्योंकि जन्माष्टमी में कुछ बने या ना बने, ये रेसिपी तो ज़रूर बनती है। और साथ में ही मैंने आज अभी पिछला वीडियो जो डाला हुआ था, यदि आप जन्माष्टमी स्पेशल धनिया पंजीरी पसंद करते हैं बनाना, तो आप उसको भी बना करके तैयार कर सकते हैं। तो इसका वीडियो भी मैंने डाला हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके लिंक डाल दूंगी, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। तो अब साथ में ही मैंने कुछ ड्राई फ्रूट जो लिए हुए हैं उसको भी मैं बारीक काट करके तैयार कर लूँगी, जैसे कि बादाम है, छुहारे हैं और साथ में ही जो काजू हैं। तो इस तरह से सारे ड्राई फ्रूट को हमें पहले तो काट करके तैयार कर लेना है। अब हमें ले लेना है एक कढ़ाई। तो कढ़ाई को हमें गर्म करना है और इसमें हमें डाल देना है शुद्ध देसी घी। तो फ्रेंड्स, आज की जो रेसिपी बनने वाली है तो इस पर ज़्यादा घी की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर भी ये बहुत ही टेस्टी बनकर के तैयार होगी। तो हमने देखिए इसमें सिर्फ एक चम्मच घी डाला हुआ है और घी जैसे ही इसमें मेल्ट हो जाएगा तो हमें डाल देने हैं अपने ये जो हमने साथ में ड्राई फ्रूट लिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मखानों को भूंज करके तैयार करेंगे, क्योंकि मखानों को भूंजने में थोड़ा सा टाइम लगता है और इनको धीमे धीमे ही भूंजा जाता है। तो इस तरह से यदि आप ज़्यादा घी में बनाना चाहते हैं तो आप घी की मात्रा को थोड़ा सा ज़्यादा कर दीजिए, और जैसे पूड़ियों को फ्राई करते हैं और उसी तरह से आप मखानों को फ्राई कर लीजिए। तो ये जो है मैं बना रही हूँ, ये बहुत ही कम घी में बन करके फ्रेंड्स रेसिपी तैयार होगी। तो मैंने देखिए सिर्फ एक ही चम्मच घी डाला हुआ है और गैस को मैंने बिल्कुल स्लो रखा हुआ है, क्योंकि कई ऐसे लोग होते हैं जो ज़्यादा घी को खाना पसंद नहीं करते हैं, तो उनके लिए ये बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है। आप इस तरह से बना करके तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें धीमी धीमी आँच में मखानों को अच्छे से भूंजते रहना है, जब तक ये हाथों से अच्छे से टूटने ना लगे। आप एक तोड़ के देख लीजिए, यदि आसानी से मखाना हमारा फूट जा रहा है तो समझ जाइए कि आपका अच्छा मखाना ये भूंज करके फ्रेंड्स तैयार हो गया है। तो इस तरह से धीमी धीमी आंच में कम से कम हमें एक मिनट तक इसको बराबर चलाते रहेंगे, छोड़ना बिल्कुल नहीं है, नहीं तो हमारा जो मखाना होगा वो नीचे से जल जाएगा। इस चीज़ का फ्रेंड्स भी ध्यान रखना है। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें बनाने में, तो इस तरह से आप बना करके बहुत ही कम घी में बना करके रेसिपी फ्रेंड्स तैयार कर पाएंगे। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि जन्माष्टमी आ रही है, और जो मीठा खाने के शौकीन, कोई ज़रूरी नहीं कि आप जन्माष्टमी में ही इस रेसिपी को बनाएं। यदि आप मीठा खाने का शौकीन है तो आप इस रेसिपी को बना करके तैयार कर सकते हैं, और ये खाने में बहुत ही हेल्दी है। इसमें ये प्रोटीन से भरा हुआ है, और ड्राई फ्रूट तो हमारी सेहत के लिए बहुत ही हेल्दी होते हैं। यदि आपको किसी तरह की कमजोरी है तो आप इस रेसिपी को ले सकते हैं। तो अब आपको मखानों को क्या करना, थोड़ा सा मिक्सी जार में डाल करके इसको चला लेना है। इसके बाद इसी कढ़ाई में हमें डाल देने हैं अपने धीरे धीरे सारे ड्राई फ्रूट, जैसे काजू हैं, बादाम है, पिस्ता, सभी को बारी बारी हमें इसमें अच्छे से घी में फ्राई कर लेना है। इससे क्या होगा कि जो हमारे ड्राई फ्रूट होंगे वो भुंज भी जाएंगे और इसमें बहुत ही अच्छा सौंधापन आ जाएगा। तो देखिए, मैं बिल्कुल थोड़े थोड़े से ही घी में ड्राई फ्रूट को भूंजूंगी और गैस को हम रखेंगे बिल्कुल स्लो ही। इससे क्या होगा कि हमारा घी भी कम लगेगा और हमारे जो ड्राई फ्रूट हैं वो अच्छे से भुंज करके तैयार हो भी जाएंगे। मैंने ये कम घी के लिए आप लोगों के लिए ऑप्शन बताया कि आप साथ में भून सकते हैं। तो मसाले ये हमारे सारे भून चुके हैं, अब गैस को हम ऑफ कर देंगे। अब आपको क्या करना, एक ले लेना है बर्तन, और बर्तन में हमें डाल देने हैं ये सारे ड्राई फ्रूट जो हमने भूंज करके तैयार की हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम बना रहे हैं मिठाई। तो मिठाई के लिए तो अब मीठा के लिए तो कुछ ना कुछ ज़रूरत पड़ेगी ही। तो ये हमने जो मखाने पीस करके तैयार किए हैं, तो मखानों को पीसते समय थोड़ा ध्यान रखना, ज़्यादा बहुत ही बारीक नहीं पीसना है। इसके बाद हम इसमें यूज करेंगे, आप बूढ़ा चीनी भी ले सकते हैं या फिर आप पिसी हुई चीनी ले सकते हैं, जिसको कगाधी भी बोलते हैं। तो आपके पास ऑप्शन है, आप जो भी इसमें डालना चाहते हैं। तो इस तरह से हमें चीनी को सारे मिश्रण में अच्छे से मिला लेना है।
मैंने थोड़ा सा बर्तन छोटा लिया हुआ था इसलिए मैंने आधे ड्राई फ्रूट डाले हैं। अभी मैं अच्छे से मिलने के बाद सारे ड्राई फ्रूट इसमें मिला दूंगी। तो इस तरह से सारे ड्राई फ्रूट मिलाने से क्या होगा कि जो हमारी मिठाई आज की जो बनेगी बहुत ही स्वादिष्ट बन करके फ्रेंड्स तैयार होगी। तो हम क्या करेंगे, अभी हमें आधी चीनी का यूज करना है। तो मैंने ये ड्राई फ्रूट जो लिए हुए थे वो 250-250 ग्राम के करीब लिए हुए थे। तो इस तरह से ये 1 किलो सारे ड्राई फ्रूट हमारे 1 किलो या 1.5 किलो के लगभग हो गए थे। तो इसमें हमें चीनी की ज़रूरत पड़ी है सिर्फ 250 ग्राम की ही। और यदि आपको इससे ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप चीनी की मात्रा को ज़्यादा कर सकते हैं, या कम मीठा पसंद है तो आप कम ले सकते हैं। और यदि आप इस रेसिपी को गुड़ से बनाना चाहते हैं फ्रेंड्स तो गुड़ से भी बना करके तैयार कर सकते हैं। कई लोग गर्मियों में गुड़ नहीं यूज करते हैं क्योंकि अभी इस समय काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, तो इसलिए ये चीनी से आप बना करके तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए हमें सारे मिश्रण को मिला करके तैयार कर लिया है। अब आप इसमें और अच्छा फ्लेवर देने के लिए इसमें थोड़ा सा सौंठ पाउडर भी यूज आप कर सकते हैं, या फिर आप इसमें इलायची पाउडर डाल सकते हैं। जैसा भी आपको जो भी फ्लेवर पसंद है आप वो इसमें डाल सकते हैं। तो देखिए सारा मिश्रण ये हमारा मिलकर के तैयार हो चुका है। और मैंने थोड़ा सा इसमें, क्योंकि मैं बना रही हूँ जन्माष्टमी के लिए प्रसाद, तो मैंने थोड़ी सी इसमें तुलसी की पत्तियाँ भी डाल दी हैं। अब आपको क्या करना है, ले लेनी है आपको एक कढ़ाई, और कढ़ाई में डाल देना है खोया। तो आपको जितने लोगों के लिए बनाना है उसके हिसाब से सामग्री को लेना है। तो यहाँ 250 ग्राम मैंने खोया लिया हुआ है, ये खोया मैंने घर पे ही बनाया हुआ था। तो इसको क्या करना है, थोड़ा सा हमें इसको भूनने देना है। इससे क्या हुआ कि हमारी जो मिठाई होगी लंबे समय तक चलेगी, क्योंकि बरसात में बहुत जल्दी ये जो मिठाई वाली रेसिपी होती है ख़राब हो जाती है, खोया वाली जो होती है। तो इसके लिए ये सबसे अच्छा ऑप्शन है कि आप घी में इसको अच्छे से, खोया को अच्छे से भून लें। तो देखिए मैंने ये फ्रिज में रखा हुआ था तो ये काफ़ी टाइट हो गया है, तो इसको थोड़ा सा हमें पिघलने देना है। तो इस तरह से जब आप भूंजेंगे ना तो देखेंगे थोड़ी बाद आपका खोया बहुत ही अच्छा पिघल जाएगा और ये अच्छे से ये सॉफ्ट भी हो जाएगा। तो इस तरह से हमें इसको थोड़ा सा अच्छे से भूंजने देना है ताकि जो रेसिपी है हमारी वो लंबे समय तक चल सके। और फ्रेंड्स फिर जैसे ही आपको लगे कि देखिए थोड़ी देर बाद ये कितने अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा और इसमें थोड़ा सा मॉइस्चर भी आ जाएगा, क्योंकि गर्म हो जाता तो इसका जो घी होता है खोए का वो थोड़ा सा पिघल जाएगा। तो इस तरह से जब ये खोया अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा तो हम इसमें डाल देंगे ये अपनी चीनी वाला सारा मिश्रण। और यदि आपको लगे कि खोया ज़्यादा टाइट है तो इसमें आप थोड़ा सा दूध डाल दीजिए या फिर थोड़ी सी मलाई डाल दीजिए, जो भी आपके पास हो। तो देखिए खोवा हमारा थोड़ा सॉफ्ट हो चुका है, अब हम इसमें ड्राई फ्रूट डाल देंगे और थोड़ा सा चलाएंगे। अब हमने क्योंकि इसमें पिसी हुई चीनी डाली हुई है तो हमें ज़्यादा पकाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बस हम इसको थोड़ा सा चलाएंगे और बस इसको थोड़ा सा पकने देंगे। तो जैसी चीनी इसके अंदर जाएगी तो थोड़ा सा ये गीला गीला आपको बैटर लगेगा, तो आप बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा पकने दीजिए और इसको फैन के नीचे 1 मिनट के लिए छोड़ दीजिए ताकि अच्छे से ये ठंडा हो सके। तो ये देखिए अभी थोड़ा सा गर्म है और ये थोड़ा सा गीला भी लग रहा है, तो मैं थोड़ा सा इसको और पकने दूंगी। और अभी मैं देखिए बना करके इस तरह से आप चेक कर लीजिए, यदि आपको लगे कि सही है तो आप गैस को ऑफ कर दीजिए, मैं थोड़ा सा और पकाऊंगी। और पकाने के बाद आप देख पा रहे हैं थोड़ा सा ये गाढ़ा हो चुका है, अब हम इसको रेस्ट करने के लिए रख देंगे और इसके बाद हम इसके लड्डू बना करके तैयार कर लेंगे। अब हमें कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं क्योंकि हमने इसमें इलायची, सारे ड्राई फ्रूट वगैरह सब कुछ पहले से ही डाल के रखा हुआ है। तो बस अब हम देखिए इसको इतना ठंडा होने देंगे ताकि हम हाथों से इसको अच्छे से छू सकें। तो फ्रेंड्स इस तरह से चीनी डालने से क्या होता है कि हमारे जो लड्डू होंगे बहुत ही सॉफ्ट बन करके तैयार होंगे, क्योंकि कई लोग क्या करते हैं जब लड्डू बनाते हैं तो उनके बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं। तो इस तरह से अब हम इनके, आप जैसे जितने सेब के चाहें उतने सेब के लड्डू बना करके तैयार कर लीजिए। ये जो लड्डू हैं बहुत ही स्पेशल हैं और बहुत ही एनर्जी भरे हैं, इसको हर कोई खा भी सकता है। और चाहे जैसी भी आपकी शारीरिक कमजोरी हो, कमर दर्द हो या पैरों का दर्द हो या घुटनों का दर्द हो, इन लड्डुओं को खाइए और सभी को खिलाइए और अपने बच्चों को स्वस्थ रखिए, तंदुरुस्त रखिए। तो ये हमारे देखिए बहुत ही सॉफ्ट लड्डू बन करके फ्रेंड्स तैयार हो चुके हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए, और आज की जन्माष्टमी में इसका भोग आप लोग ज़रूर लगाइए। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे नई रेसिपी।